फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग सही होंगे, अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों, ग्रो ब्लॉग में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को संतरागाछी रेलवे स्टेशन दिखाऊंगा। मैं आज करीबन 2:20 बजे मैं संतरागाछी रेलवे स्टेशन में पहुँच चुका हूँ, गुवाहाटी से होते हुए संतरागाछी तक, और आप लोगों को संतरागाछी स्टेशन दिखाने के लिए कोशिश करूँगा। तो चलो दोस्तों, आप लोगों को संतरागाछी रेलवे स्टेशन दिखाता हूँ, चलो चलते हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं ये संतरागाछी रेलवे स्टेशन है, और मैं फ्लाईओवर के ऊपर हूँ। फ्लाईओवर से नीचे उतर रहा हूँ। संतरागाछी में एक दो दो ट्रेन आ चुकी हैं अभी तक। तो चलो दोस्तों, आप लोगों को संतरागाछी रेलवे स्टेशन कैसा है इसके बारे में इसको दिखाते हैं। संतरागाछी रेलवे स्टेशन, ये रहा रेलवे स्टेशन संतरागाछी का, आप लोग देखिए। ये रेलवे स्टेशन है संतरागाछी का, ये वेस्ट बंगाल का संतरागाछी रेलवे स्टेशन है। फ्लाईओवर से होते हुए आप लोग उस पार सिटी में जा सकते हो, जहाँ पर होटल वगैरह मिलता है रहने के लिए। चलिए अब मैं आप लोगों को रेलवे स्टेशन का अंदर ले चलता हूँ। ये तहार टिकट घर है, यहाँ पे यहाँ से आप लोग टिकट ले सकते हैं। टिकट काउंटर, यहाँ से आप लोग टिकट लेके ट्रेन का ट्रेन में सफ़र कर सकते हो। वेटिंग हॉल इधर है, जहाँ पैसेंजर्स आके रुकते हैं, वेट करते हैं, रेस्ट करते हैं। वेटिंग हॉल में आप लोग वेट कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। बाथरूम वगैरह है, आप नहा सकते हैं आप लोग। ये टाइम टेबल का चार्ट है संतरागाछी रेलवे स्टेशन का। ये संतरागाछी रेलवे स्टेशन का बाहर का ये मार्केट है। और आप लोग यहाँ से टुक टुक भी मिलता है, और ऑटो रिक्शा भी मिलता है सिटी जाने के लिए, और रिक्शा भी मिलता है। ये रहा संतरागाछी रेलवे स्टेशन का मार्केट। यहाँ पे सवारी के लिए गाड़ी खड़ा रहता है, टुक टुक भी मिलता है, ऑटो रिक्शा भी मिलता है। यहाँ पे ये दुकान वगैरह है, ये मार्केट है यहाँ का। यहाँ पे खाने के लिए होटल वगैरह भी है, आप लोग यहाँ पे चावल वगैरह रोटी वगैरह भी खा सकते हो आने के बाद सारे होटल से। फलों का दुकान भी है दोस्तों। यहाँ पे रहने के लिए बड़ा प्रॉब्लम है, और नज़दीक में कोई स्टे करने के लिए होटल्स नहीं है, और इस रेलवे स्टेशन में यात्री के लिए किसी की रात को किसी पैसेंजर्स को बाहर जाना है तो उसके लिए कोई अच्छा प्रबंध नहीं है। रहने के लिए कोई लोकल रूम नहीं है, इसलिए कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो मुझे दोस्तों, मैं अभी बड़ा प्रॉब्लम में हूँ, क्योंकि कल रात को 11 बजे मेरा
मेरा ट्रेन है। सो फ्रेंड्स, मैं अभी लेफ्ट से होते हुए संतरागाछी रेलवे स्टेशन से उस पार जाऊंगा होटल का रूम ढूंढने के लिए, क्योंकि यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे रहने के लिए कोई अच्छा प्रबंध नहीं है, इसके वजह से मुझे अभी जाना पड़ेगा दूसरा साइड में, उस पार में जाके देखना पड़ेगा होटल मिलता है कि नहीं। तो चलो दोस्तों, चलते हैं इस लिफ्ट से होते हुए। ये मैं लिफ्ट में चढ़ गया हूँ, लिफ्ट से होते हुए मैं ऊपर जा रहा हूँ। जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा, बड़ा टाइम बहुत कम है और यहाँ पे धूप भी बहुत ज़्यादा है, इसके वजह से मुझे काफ़ी सारा प्रॉब्लम आ रहा है और बहुत गर्मी है। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं अभी होटल ढूंढने के लिए। ये संतरागाछी का पूरा रेलवे स्टेशन है, देख लीजिए ये है। और जा रहा हूँ होटल देखने के लिए, पूरा टायर्ड हो चुका हूँ मैं अभी तक जाने करते करते। चलते हैं, मैं जा रहा हूँ होटल या लॉज, कोई कुछ भी मिल जाए आज रात और पूरा कल पूरा दिन के लिए, क्योंकि कल तक, कल 5 तारीख को मेरा रात को 11:30 बजे मेरा ट्रेन है अमरावती एक्सप्रेस, और मुझे जाना है गोवा तक। संतरागाछी से होते हुए मुझे जाना है गोवा। अब क्या होता है पता नहीं, देखता हूँ। दूसरा दूसरा ट्रेन आ रहा है और पैसेंजर भी निकल के जा रहा है। उतर चुका हूँ, ये रहा दूसरा साइड का रेलवे स्टेशन संतरागाछी का। ये रहा दूसरा साइड, ये संतरागाछी का ये सिटी है। संतरागाछी मिक्स्ड हाई स्कूल, और इस साइड में रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे टैक्सी मिलता है सिटी में जाने के लिए, कहीं कहीं पैसेंजर जहाँ तक जा सके वहाँ के लिए सवारी के लिए उन लोग यहाँ पे हैं, और ये टैक्सी स्टैंड है, यहाँ से टैक्सी वगैरह मिलता है। तो दोस्तों, आप लोग आने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। स्टेशन का उल्टा साइड में ही आपको टैक्सी वगैरह मिल जाएगा। यह सिटी है संतरागाछी का, और ये कौन सा बिल्डिंग है मुझे मालूम नहीं है, यह नया भी एक बिल्डिंग बन रहा है। तो आप लोग देखिए, ये बिल्डिंग बन रहा है नया संतरागाछी का। यहाँ पे आपको फ्रूट्स वगैरह मिल जाएगा, यहाँ में फ्रूट्स वगैरह अमरूद वगैरह मिलता है। ये सिटी जाने का एरिया है। दोस्तों, धूप भी बहुत ज़्यादा है और मुझे होटल भी ढूंढना है, तो मैंने पूछा तो बोला ताकि इस साइड से होते हुए बाहर मुझे जाना है, उधर में होटल और लॉज वगैरह मिलता है। तो रूम ढूंढने के लिए जाना पड़ रहा है। ये सुरंग से होते, ये बहुत बढ़िया सुरंग है संतरागाछी का रेलवे स्टेशन के अपोजिट में, यह है। लगता है यहाँ पे मुझे रूम मिल जाएगा, ये है। मैं पूछता हूँ कि कहाँ पे रूम मिलेगा मुझे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे एक रूम मिला था, लेकिन 1600 रुपया रेंट 2 दिन के लिए बोल रहा है, बहुत ज़्यादा हो गया, इसे मुझे दूसरा होटल ढूंढना पड़ेगा। देखता हूँ मिलता है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, मुझे रूम मिल गया है, काफ़ी मुशक्क़त के बाद एक रूम मिला है संतरागाछी में। तो मैं दोस्तों, मैं इस रूम पे आ चुका हूँ और नहा के फ्रेश होके मैं भी रेडी हो गया तो बाहर जाने के लिए। तो बाहर जाके देखता हूँ खाने के लिए कुछ अच्छा मिलता है कि नहीं। तो दोस्तों, मेरा रूम देख लीजिए, ये मेरा रूम है, ये बाहर का है, ये बाहर का है, इस होटल का बाहर का देख लीजिए। बाहर में कितना अच्छा, ये छोटा सा गार्डन है,
और ये रिसेप्शन है, रिसेप्शन काउंटर है होटल का, और ये मेरा रूम है। मेरे रूम का नंबर है 103 और ये मेरा रूम है, इस रूम में मैं ठहरा हूँ। देखिए ये बेड है, अभी बाथरूम वगैरह है, लेकिन बहुत गर्मी है, फैन चल रहा है फिर भी बहुत गर्मी है। संतरागाछी में आज बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर है और एसी वी लगा हुआ है। ये है दोस्तों, अभी मैं जाऊंगा थोड़ा कुछ खाने उन्हें खाने के लिए, तो मुझे बहुत जल्द से भूख लगा है। तो दोस्तों मुझे काफ़ी परेशानी हुआ, और जब मैं वीडियो बना रहा था रेलवे स्टेशन में, संतरागाछी रेलवे स्टेशन में, तब वहाँ का जो स्टाफ है तो उन लोग मुझे मना कर रहा था वीडियो बनाने के लिए, तो बोल रहा था कि किसी भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर आप लोग वीडियो नहीं बना सकते हो। तो मैंने वीडियो वहीं पर क्लोज कर दिया था और बंद कर दिया था और बनाया नहीं, उसके बाद कोई वीडियो बनाया नहीं। तो दोस्तों मैं अभी खाना खाने के लिए जा रहा हूँ, चलो चलते हैं खाना खाने के लिए। सो फ्रेंड्स, ये देखिए रात का संतरागाछी का नेशनल हाईवे का नज़ारा है कुछ इस तरह, बहुत ही बढ़िया है लग रहा है। यहाँ पे कोलकाता मार्केट भी है, बढ़िया देखिए मस्त लगेगा। ये गाड़ी जा रहा है, तो मैं अभी जाऊंगा खाना खाने के लिए। सो फ्रेंड्स, आज के लिए वीडियो यहीं पर ख़त्म करूंगा। आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में गोवा में पहुँच कर ही वीडियो बनाऊंगा, और गोवा का बारे में दिखाऊंगा, गोवा कितना सुंदर है, गोवा में क्या क्या है सब दिखाऊंगा आप लोगों को। तो ब्रो ब्लॉग में बने रहिएगा, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं और अच्छा अच्छा वीडियो बना सकूं। तो फ्रेंड्स, आप लोग ब्रो ब्लॉग को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।